Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine, good and safe at your homes. Class 10, chapter number 12, Geometrical Optics. Today we are going to learn about the lenses. So, what the lenses are? We can define lenses as, lens is a body of a transparent material such as glass to converge or diverge the beam of light. Means that, ki hum koi bhi transparent material le lete hain. जब हमने मिरर की बात की थी तो हमने उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल को ओपेक कर दिया था. यहाँ हम उसको ओपेक नहीं करेंगे, रादर हमारे पास हम उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनाएंगे कि कुछ केसेस में वो डाइवर्ज करेगा और कुछ में कन्वर्ज करेगा. द नेक्स्ट इज अ लेंस कैन फोकस लाइट टू फॉर्म एन इमेज. कि लेंस में क्या होता है कि लाइट फोकस होती है. कहाँ पे फोकस होती है? वी ऑलरेडी लर्न इन मिरर कि हमारे पास फोकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लाइट आके फोकस होती है. तो वहाँ पे जब हमारे पास लाइट फोकस होगी, उससे गुजरेगी, तो उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा? इमेज बनेगा. ठीक. द नेक्स्ट स्लाइड इज मिरर वर्सेस लेंस. कि मिरर और लेंस में क्या फर्क है? तो बच्चों हमने पढ़ा था एक प्रोसेस रिफ्लेक्शन का और एक प्रोसेस रिफ्रैक्शन का. रिफ्लेक्शन हमारे पास तब होती है जब मटेरियल ओपैक होता है. तो मिरर में हम क्या करते हैं कि अपने मिरर की एक साइड को ओपैक कर लेते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास लाइट बाउंस बैक होती है, रिफ्लेक्ट होती है. वाइल हमारे पास लेंसेज में रिफ्रैक्शन होती है. रिफ्रैक्शन क्या है कि जब हमारे पास लाइट एक डेंसर मीडियम से लेस डेंसिटी वाले मीडियम की तरफ जाती है, या फिर वाइस वर्सा, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ आए या लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ जाए, तो वो अपना रे अपना पाथ चेंज करती है. दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. तो कहता है कि हमारे पास मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होती है, वाइल लेंसेज में रिफ्रैक्शन होती है. अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास मिरर में एक ही फोकल पॉइंट होता है, ठीक है, जो उसके फ्रंट साइड पे आता है. ठीक. अब हमारे पास जब लेंस की बात होती है तो लेंस में हमारे दो फोकल पॉइंट्स होते हैं दोनों साइड पे. क्यों होता है ऐसा? अब आगे जब हम टाइप्स ऑफ मिरर्स, टाइप ऑफ लेंसेज पढ़ेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास लेंस बनते हैं विद द हेल्प ऑफ टू स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम्स. ठीक है. तो वहाँ पे उसके दोनों साइड के जो फोकल होते हैं वो यहाँ पे आते हैं. अब आगे मैंने आपको एक टेबल दिया हुआ है फ्रॉम विच वी कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन द लेंस एंड द मिरर. एक साइड पे मिरर है और दूसरी साइड पे लेंस है. इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन डिफरेंशिएट बिटवीन द लेंस एंड मिरर, विच ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास लेंस और मिरर का डिफरेंशिएशन जरूर आएगा, एज आई थिंक सो. तो आप इसे देख लें, समझ लें और अपने पास नोट भी कर लें. ठीक है. तो सबसे पहले मिरर का फर्स्ट पॉइंट, अ मिरर इज अ ग्लास सरफेस विद अ सिल्वरी बैकिंग दैट प्रोड्यूस एन इमेज टू द रिफ्लेक्शन. कि हमारे पास सिल्वरी बैकिंग का क्या मतलब है कि जिसकी बैक साइड को हम ओपैक कर देते हैं. हमारे पास मिरर में भी कनकेव और कन्वेक्स मिरर था ना, अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे मिरर की टाइप लिखेंगे. ठीक. अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हो, विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट, यहाँ पे तो मुझे शॉर्ट फॉर्म में देना था, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिरर को डिफाइन करेंगे. ठीक है, ये डेफिनेशन आ गई. उसके बाद आप बताओगे कि मिरर में रिफ्लेक्शन होती है. मिरर के दो टाइप्स होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव होते हैं. किसमें हम इनवर्ड वाले सर्फेस को पॉलिश करते हैं और कौन से वाले में आउटवर्ड सर्फेस को पॉलिश करते हैं. अब द नेक्स्ट इज कि हमारे पास जो मिरर होता है वो कर्व भी हो सकता है और वो प्लेन भी हो सकता है. ठीक. प्लेन मिरर भी मैंने आपको समझाया था क्लास में, एंड कर्व भी समझाया था. ठीक. द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मिरर इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अगेन रिपीटेड कि हमारे पास मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होता है. अब हम लेंस की तरफ जंप करते हैं. अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ऑफ अ ग्लास एंड प्लास्टिक. हम कोई भी ग्लास या प्लास्टिक के मटेरियल यूज करते हैं जिसमें हम टू सर्फेसिस को बाउंड करते हैं. हुज आर एट लीस्ट कर्व, सर्फेस आर कर्व, मतलब कि उसकी कम से कम एक साइड जो होती है वो कर्व होती है. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, वी विल फर्दर डिस्कस देम. ठीक. द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मिरर इज रिफ्रैक्शन. कि हमारे पास इसमें कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल है? रिफ्रैक्शन का. ठीक बच्चू. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ द लेंसेज.
हमारे पास दो मेन टाइप्स है लेंसेज की, एक है हमारे पास कनकेव लेंस और एक है कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस वो है जिसमें कर्व्ड सरफेस जो होती है वो इनवर्ड होती है, ठीक, और कन्वेक्स लेंस में कर्व्ड सरफेस आउटवर्ड होती है। और वी कैन से दैट कन्वेक्स लेंस इन विच द थिकनेस हमारे पास जो वो होता है वो साइड से थिक होता है लेंस और दरम्यान में से थिन होता है। अब हमारे पास इसके में क्या होता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती हैं और वो कन्वर्ज करती हैं, ठीक। हमारे पास कन्वेक्स लेंस में पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आती हैं एंड वो कन्वर्ज करती हैं। इसके फर्दर थ्री मेन टाइप्स होते हैं, ठीक है बच्चों। फर्दर इसे डिवाइड किया हुआ है थ्री टाइप्स में। फर्स्ट वन को हम कहते हैं डबल कन्वेक्स लेंस, जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको, और उसके बाद है ये वाला डबल कन्वेक्स लेंस। देन वी हैव प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ये जो सेकेंड नंबर पे आप देख रहे हो, ये दैट इज द प्लेनो कन्वेक्स लेंस, जिसमें हमारे पास एक साइड उसकी कन्वेक्स होती है और दूसरी साइड प्लेन होती है। एंड देन वी हैव अ थर्ड टाइप जो है कनकेव कन्वेक्स लेंस, ठीक, उसमें हमारे पास एक साइड कनकेव होती है और एक साइड कन्वेक्स होती है। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में क्या होता है कि हमारे पास बीम ऑफ लाइट आती है और वो डाइवर्ज होती है। द लेंस विच इनर जिसकी हमारे इनर जो होते हैं वो थिक होते हैं और दरमियान से थिन होता है। अब इसमें हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है और वो रिफ्लेक्ट होती है और ऐसे लगता है कि वो डाइवर्ज हो रही है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट होता है उससे डाइवर्ज हो रही होती है। इसकी भी हमारे पास फर्दर थ्री टाइप्स आ जाती है बच्चों, वही हमारे पास डबल कन्वेक्स लेंस, प्लेनो डबल कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस एंड कनकेव कन्वेक्स लेंस, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, कुछ टर्म्स हैं स्पेशल टर्म्स जो कि हम यूज़ करते हैं, वो आप खुद रीड आउट करोगे, मिरर में हमने वो डिस्कस की थी। दे आर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, देन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, अपर्चर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, एंड बस यही है, ये आप लोग खुद रीड आउट करेंगे। नाउ व्हाट इज द लेंस फार्मूला, हमने लेंस फार्मूला को डिस्कस करना है। सो लेंस फार्मूला हमें रिलेशनशिप बताता है कि जब हमें एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का और जो लेंस है उसका इमेज का, देन हमारे पास जो इमेज बनता है उसका और लेंस तक का जो डिस्टेंस है उसका एंड फोकल लेंथ का, तीन चीज़ों का हमारे पास रिलेशनशिप है कि डिस्टेंस कहाँ बनता है, इमेज कहाँ है और हमारे पास फोकल लेंथ का डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ का डिस्टेंस क्या है, ठीक। लेंस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव लेंस, कि हम इसे कन्वेक्स और कनकेव दोनों लेंसेज के लिए यूज करते हैं। हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ द लेंस फार्मूला। डेरिवेशन में हम सबसे पहले बच्चों कन्वेक्स लेंस लेते हैं। कन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस है, जो हमारे पास साइड पर से थिन और दरमियान पर से थिक है, ठीक, जो साइडों पर से पतला है और दरमियान से मोटा है। कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ, जिसके एक सेंटर हम ले रहे हैं और उसे नाम दे रहे हैं ओ। लेट एफ बी द प्रिंसिपल फोकस एंड एफ बी द फोकल लेंथ, कि एफ को हम प्रिंसिपल फोकस कह देते हैं और स्मॉल एफ को प्रिंसिपल फोकल लेंथ कह देते हैं। ऑब्जेक्ट ए बी इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट डिस्टेंस बियॉन्ड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कि हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट हमने ले ली ए बी, ठीक, अ रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज ए प्राइम बी प्राइम इज फॉर्म्ड ए शोन इन अ फिगर। क्या होगा कि हमारे पास इमेज बनेगा, कैसा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड मैग्नीफाइड। देखिए बच्चों क्या कह रहे थे हम, हमने सबसे पहले कन्वेक्स लेंस लिया, कनकेव लेंस लिया, ठीक, अब कन्वेक्स लेंस लिया, उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट लिया विद ए बी हाइट, ए बी उसकी हाइट आ गई, उसका इमेज बनेगा ए प्राइम बी प्राइम, और हमने क्या कहा था, हम कहाँ पे रखेंगे, बियॉन्ड दी एफ, हम उसे एफ से पीछे रखेंगे। तो हमने ये सारा कुछ किया, आपके पास यहाँ पे देखो कि दो तरह के यहाँ पे अब ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, एक बच्चू हमारे पास ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ओ बी ए और दूसरा है ओ ए प्राइम बी प्राइम,
और दूसरा जो ट्राइंगल बन रहा है दैट इज ओ सी एफ एंड ए ए एफ बी। ठीक, अब इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आई? अगर नहीं आई तो यू कैन आस्क। ओके, अच्छा यहाँ पे आए बच्चों, देखें आप फिगर में नोटिस करें दैट वी हैव टू ट्राइंगल्स। वन इज ट्राइंगल ए बी ओ, ए बी ओ, हियर इट इज ए बी ओ, जिसे हमने पिंक शेड किया हुआ है। एंड सिमिलर ट्राइंगल इज ए प्राइम बी प्राइम, ठीक, और ओ। हम इसे सिमिलर क्यों कह रहे हैं बच्चों? यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास देखो जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जहाँ पे इमेज बना हुआ है वहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? 90 के एंगल बन रहा है ना, यहाँ बी के पॉइंट में, बी प्राइम के पॉइंट में और यहाँ बी के पॉइंट में। तो हमारे पास एक एंगल आ गया 90 का। अब दूसरा एंगल हम ये ओ के पॉइंट पे लेते हैं। ये जो ओ का पॉइंट है इसके लिए हम कहते हैं कि यह हमारे पास वर्टिकल एंगल के अलोंग बन रहा है ये एंगल। तो जब भी हमारे पास किसी वर्टिकल लाइन के अलोंग की एंगल बनता है तो वो क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, हमारे पास इसे वर्टिकल एंगल कहते हैं, हमारे पास वो ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो एंगल इक्वल आ गए, एक 90 का आ गया और एक वर्टिकल एंगल के अलोंग जो है वो इक्वल होगा। तो हमारे पास जो तीसरा एंगल रहता है दैट इज अलोंग ए एंड ए प्राइम, वो भी हमारे पास इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे बच्चों? कि हमारे पास थ्योरम है दैट सम ऑफ ऑल द एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास जब दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा बराबर होगा, तो तभी जाके सम 90 सम हमारे पास 180 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमें पता चल गया कि ये वाले एंगल्स बराबर हैं तो हम रेशियो ले लेते हैं। क्या करते हैं? उसकी किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ले लेते हैं। जब हमने रेशियो ली तो रेशियो हमने ले ली ए प्राइम बी प्राइम, व्हाट इज इट? ये हमारे पास एच प्राइम मतलब हाइट ऑफ द इमेज है, और दूसरी साइड पे हमने ले लिया ए बी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने रेशियो ले ली, इज इक्वल्स टू ओ बी। ठीक, एंड ओ बी प्राइम, ओ बी प्राइम की रेशियो ले ली ओ बी के साथ। ठीक, अब ये हमारे पास बच्चों बन गई है इक्वेशन नंबर वन। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक और ट्राइंगल बन रहा है जो सिमिलर है। कौन सा? ए ए प्राइम बी प्राइम एंड एफ, ये वाला ट्राइंगल, एंड दूसरा है ओ सी एफ, ओ सी एफ ये वाला बन रहा है। तो इसमें भी हमारे पास वही कंडीशन है कि ये वाला और ये वाला मींस बी प्राइम का और ओ का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, और उसके अलावा जो दूसरा एंगल बन रहा है अलोंग एफ, यहाँ पे एफ पॉइंट पे, वो हमारे पास वर्टिकल एंगल बन रहा है, वर्टिकल लाइन के अलोंग बन रहा है, तो वो क्या होगा? वो भी इक्वल होगा। तो अगेन हम ये कहेंगे दो एंगल इक्वल हैं तो हमारे पास थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो क्या है बच्चों कि हम यहाँ पे भी रेशो ले लेते हैं, यहाँ पे ए बी ए प्राइम बी प्राइम हाइट और यहाँ पे ओ सी, ठीक है, इन दोनों की रेशो ले ली। दूसरा हमने रेशो ले ली एफ और बी प्राइम की, ये वाला डिस्टेंस, एंड उसके साथ एफ ओ की। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे भी हमने जैसे इस ट्राइंगल में हमने रेशोज ली थी इसमें भी ले ली। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर टू बन गई। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास ये जो ओ सी है ये हमारे पास इक्वल है ए बी के, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। कैसे? कि हमारे पास यहाँ से देखिए लाइन पैरेलल आ रही है, ठीक, और यहाँ पे आके वो बेंड कर रही है, तो यहाँ तक तो उसका जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर है। सो वी कैन से दैट ओ सी इज इक्वल्स टू ए बी। अब जब बच्चों ओ सी ए बी के इक्वल आ गया तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर वन और टू एक दूसरे के इक्वल हैं। कैसे? ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया था और अभी भी आप इसे ऊपर वाले इक्वेशन अपने पास जब नोट करेंगे, ये वाली इक्वेशन करेंगे, तो आपको ये बात प्रूव हो जाएगी। अब क्या करना है बच्चों यहाँ से आगे कि हम अपनी साइन कन्वेंशंस यहाँ पे लगाएंगे कि हमने क्या बात की ओ बी, ओ बी को हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं? यू का नाम दे रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द लेंस, फिर हमारे पास ओ बी प्राइम है, डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज टू द लेंस, और फिर हमारे पास ओ एफ है,
फोकल लेंथ, ठीक। हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे ओ बी है वहाँ पे यू पुट कर